बलपन तुम फिर से उपदेश दे रहे हो मुझे। ये मत भूलो कि तुम मेरे प्रबंधक हो, प्रबंध करना ही तुम्हारा काम है। अब जैसा कहे वैसा करो, जाओ यहां से। मुझे तो लगा मैं आपके दोस्त की हैसियत से हूं यहां पर। लेकिन ठीक है, अगर आप मुझे सिर्फ प्रबंधक समझते हैं तो प्रबंधक की हैसियत से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। ये सारी बेकार की चीजों पे पैसा आप बर्बाद नहीं कर सकते। ये गणपत राव का निर्णय है और उसका निर्णय अंतिम है, अटल है। ये लीजिए, इस समय इतने ही है, बाकी केक कल मिल जाएंगे। देखिए देखिए, ये सब चंपा के लिए ही है। फौरन नीम गांव जाओ और बाबा साहब से कहो कि हमें और पैसों की जरूरत है। पहले जो पैसे उधार लिए थे उसमें से एक रुपया नहीं लौटाया है आपने, वो आपको और पैसे क्यों उधार देंगे? जब तुम उन्हें कहोगे कि गणपत राव का नाटक शिरडी में धूम मचा रहा है, हमें यहाँ बहुत कामयाबी मिल रही है, तो देखना तुम्हें पैसे देंगे वो। जब वो ये सुनेंगे तो उम्मीद करेंगे कि मैं पैसे देने आया हूं, लेने नहीं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको और उधार देंगे तो ये आपका भ्रम है। तो फिर तुम किस बात के प्रबंधक हो? हुँ? क्या काम है तुम्हारा? प्रबंध करना। जाओ और उन्हें कह दो कि गणपत राव अपनी कला से इतिहास रच रहा है, एक महिला कलाकार को मौका दे रहा है। बलाल पंत, मैं यहां आसमान छू रहा हूं और तुम मेरे पैर बांध रहे हो। अब जाओ और पैसों का इंतजाम करो। कुछ करना धरना है या नहीं? मैं तुम्हारा घर जब्त करूं? सरकार का हुक्म याद है कि भूल गए? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, परिणाम जल्द ही आपके सामने होगा। पैसे नहीं मिले मतलब? जो मैंने तुम्हें समझाया था वो जाके कहा बाबा साहब से, उनसे कहा कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है। कहा? सब कहा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें नाटक की कामयाबी की सारी खबर मिल गई थी। उन्हें तो ये तक पता चल गया था कि नाटक की सारी चिप्पियां बिक चुकी हैं आने वाले हफ्तों तक की। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो ये समझे कि मैं पैसे देने आया हूं, लेकिन जब मैंने पैसे मांगे तो वो चकित हो गए। तो तुम कोई बहाना नहीं बना सकते थे? नहीं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उनसे झूठ नहीं बोल सका। उन्हें सब सच बता दिया कि सारे पैसे जरी के कपड़े और जेवरात खरीदने में खर्च हो गए। अच्छा, तो तुम वहां मेरे विरुद्ध बोलने गए थे? मैं नहीं समझता कि मेरा झूठ ना बोलना आपके खिलाफ बोलने के समान है। हाँ, तुम तो बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो ना। तो मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ के प्रबंधक हो, तुम्हारा काम है इस नाटक के लिए धन का इंतजाम करना, जो तुम नहीं कर पा रहे हो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें तनख्वाह देना भी एक फिजूल का खर्चा हुआ ना। अगर आप मेरा कोई कहा नहीं मानेंगे, मेरा कोई मशवरा नहीं सुनेंगे, तो मैं अपना काम कैसे कर सकता हूं? हाँ, अपनी नाकामी का दोष अब मुझ पर डालो। सच तो यह है कि तुम एक प्रबंधक के रूप में असफल रहे हो।
अब मैं क्या करूंगा? वहां वो कपड़े वाले और जौहरी के आदमी बैठे हैं पैसे लेने के लिए, मैं उनके लिए कहां से पैसे लाऊं? आप चाहते हैं ना कि मैं अपना काम करूं? ठीक है, अब क्या करने जा रहा है ये? माफ कीजिएगा, आपके जेवर और कपड़े हम नहीं ले सकते अभी, आप अपना सामान अपने साथ ले जाइए। बलाल पंत, तुम इस तरह मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? अपमान? यदि यहां से कपड़े और आभूषण गए तो जानते हो उसका अर्थ क्या होगा? लोग कहने लगेंगे कि गणपत राव के पास पैसे नहीं हैं, कि गणपत राव हार गया। शायद तुम भूल गए हो, लेकिन गणपत राव कभी नहीं हारता। देखिए, जाके अपने सेठ जी से कह दीजिएगा कि उन्हें पैसे कल तक मिल जाएंगे। कल तक? कल तक पैसे कहां से दोगे? खामोश, ना मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है और ना तुम्हारी। ये रही तुम्हारी तनख्वाह और अनुबंध तोड़ने का मुआवजा। तबाह हो जाओ यहां से, और दोबारा लौटने की कोशिश भी मत करना। जो मैंने सुना वो सच है? हाँ सच है, गलती मेरी थी, हर चीज के लिए मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भले बुरे का ख्याल रखोगे तुम, पर तुम तो अक्षम निकले। अब दफा हो जाओ यहां से। दोस्ती की बात की है ना आपने? कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से एक चीज याद रखना गणपत, ये सब इनका घर बार रोजी रोटी सब तुम पर निर्भर है। बेकार के पैसे बर्बाद करने से पहले दो बार सोचना जरूर। एक और बात कहना चाहता हूं, किसी भी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ जरूर लेना, और यदि कभी ऐसी स्थिति आती है जब तुम खुद को असहाय महसूस करो तो जाकर साईं से जरूर मिलना। हो गया, अब दफा हो जाओ। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सब अपना अपना काम करो, जाओ। अब्बा जी, हमारा काम और भी आसान हो गया। तो तुम वहां मेरे विरुद्ध बोलने गए थे, तुम्हारा काम है इस नाटक के लिए धन का इंतजाम करना, जो तुम नहीं कर पा रहे हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें तनख्वाह देना भी एक फिजूल का खर्चा हुआ ना। सच तो ये है कि तुम एक प्रबंधक के रूप में असफल रहे हो। ना मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है और ना तुम्हारी। अब तबाह हो जाओ यहां से, और दोबारा लौटने की कोशिश भी मत करना। सब ठीक तो है ना बल्लाल? मैं हर मोर्चे पे विफल रहा, अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहा हूं मैं। आपने आगाह किया था मुझे, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कर सका। साईं, मैं देख रहा हूं कि गणपत अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिख रहा है, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। साईं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, जैसे तैसे मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन गणपत वो जिस राह पर चला है
उस पर सब जो बनाया है वो सब नष्ट कर देगा। आओ द्वारका माई चलो मेरे साथ। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात गणपत राव की बर्बादी का समय आ गया और ये बर्बादी का तमाशा मैं देखना चाहता हूं। केवल देखना ही क्यों, इसमें मैं सहभागी बनना चाहता हूं। आराम से। यहां बैठो। गणपतराव को मैंने सच में अपना दोस्त समझा था साईं, और आज भी मानता हूं। तभी तो अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण साल दिए थे मैंने उसे। गणपत की नाटक मंडली की देखरेख के लिए मैंने अपने परिवार की भी उपेक्षा की, क्योंकि मैं जानता हूं कि गणपत एक कलाकार है। वो लोगों को पैसे की देखरेख को संभालने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसने आज मुझे मुझे कहा कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, ना ही एक प्रबंधक के रूप में और ना ही एक दोस्त के रूप में। नीम गांव से आ रहे हो, थक गए होगे, भूख भी लगी होगी, खा लो कुछ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मैं क्षमा चाहता हूँ साईं, आपसे बिना पूछे आपका बिना इंतजार किए मैंने खाना खा लिया। खाने के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत क्या है, भोजन तो हमें धरती माँ देती है। क्या खाने से पहले कभी धरती से पूछते हो? नहीं ना, और ये भी कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं करती कि तुम इससे पूछो। तुम्हें खाना देती है और भूल जाती है। एक अच्छे दाता को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। गणपत राव को सावधान करके, उसकी देखभाल करके तुमने एक सच्चे दोस्त, एक अच्छे कर्मचारी का फर्ज अदा किया है। और याद रहे, भगवान भी उसकी मदद नहीं करता जो मदद लेना नहीं चाहता। इस संसार में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा और गणपत राव को उसके कर्मों का, क्योंकि यही कर्म विधान है।
रानी राजकुमारी दमयंती, देवताओं ने आपसे निवेदन किया है कि अगर आप राजकुमारी दमयंती देवताओं ने आपसे निवेदन किया है और अगर आप क्या संवाद क्या है बोलो राजकुमारी दमयंती देवताओं ने आपसे राव साहब आज आप बहुत अधिक तनाव में लग रहे हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आज आप अपने सभी संवाद भूल रहे हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नमस्ते, देखिए इस वक्त हम अभ्यास कर रहे हैं, आप बाद में आइए। बहुत खास बात करनी थी आपसे। आप कौन हो? मैं सेठ गंगाराम, इस गांव का एक अदना सा साहूकार। छोटी सी दुकान भी है मेरी, पर दिल से तो मैं आपका प्रशंसक हूं। यदि आपके पास कुछ समय हो तो मुझे खास बात करनी है आपसे। एक कलाकार को अपने प्रशंसकों से मिलने में बहुत खुशी होती है। जी लीजिए। दरअसल मैं आपसे ये कहने आया था कि आपका प्रशंसक होने के नाते और कला में रुचि होने के नाते मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके नाटक में अपना कुछ योगदान दूं। अब देखिए मैं गा तो नहीं सकता, अभिनय भी नहीं कर सकता, आर्थिक मदद जरूर कर सकता हूं। तो कभी आपको जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। देखिए मैं बल्लाल पंत जी से मिला था जब वो नीम गांव जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसे मांगने बाबा साहब के पास जा रहे हैं। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा कि थोड़े से पैसे मांगने के लिए लोगों को नीम गांव जाना पड़ता है। अरे कभी अचानक जरूरत पड़ जाए तो आसपास भी तो कोई मददगार होना चाहिए हमारे जैसा। लगता है आपको भगवान ने भेजा है। गंगाराम जी सच बताऊं तो इस समय मेरी नाटक मंडली को पैसों की जरूरत है। हाँ तो समस्या क्या है? आप हुक्म कीजिए, मैं पैसे हाजिर कर दूंगा आपके लिए। शुक्रिया गंगाराम जी, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। लीजिए ना। बल्लाल पंत को निकालकर मैंने गलत नहीं किया, पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहा था तो नखरे कर रहा था, मुझे समझा रहा था कि खर्चे कम करो। अरे गणपत राव को पैसे देने वालों की कमी नहीं है, चुटकियों में काम हो गया ना। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं साई, लेकिन गणपत राव की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम उसकी मदद कर सकें? तुम जैसे वफादार दोस्त चाह कर भी भविष्य को बदल नहीं सकते। जो नियति में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। क्या तुमने कभी किसी को हाथी की सवारी करते देखा है? जी। जब हाथी खड़ा होता है तो उस पर बैठे सवार को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि हाथी अपने अगले पैरों को सीधा करते हुए खड़ा होता है, और दूसरा झटका तब लगता है जब हाथी बैठता है, और यह झटका पहले वाले झटके से भी ज्यादा जोरदार होता है। ये उतार चढ़ाव, ये झटके, ये जीवन के लिए सीख है और ये हम सबको सहने पड़ते हैं। लेकिन ये झटके निरर्थक नहीं है, ये मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जो सीख जाए वो पार। शायद एक दिन गणपत राव को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। पर फिलहाल तुम अपने घर जाओ,
यहां की चिंता यहीं छोड़कर कुछ समय अपने घर अपने परिवार के साथ बिताओ। तुम्हारे लिए अभी यही जरूरी है। जाओ। लीजिए। शुक्रिया जी। गिन तो लीजिए। एक कलाकार अपने प्रशंसक पर विश्वास नहीं करेगा तो किस पर करेगा? मुझे आप पर विश्वास है। वो तो लेन देन में रखना ही पड़ता है। पर राव साहब, एक ये दस्तखत भी कर दीजिए। दस्तखत? हाँ, महज एक औपचारिकता है और कुछ नहीं। लाइए। लीजिए लीजिए, पढ़ तो लीजिए। अभी विश्वास की बात हुई ना, देखिए मेरा विश्वास। अंता जी, फंस गई बुलबुल जाल में। ये कुर्ता इतना ढीला क्यों है? मैं राजा हूं, कोई भिखारी नहीं। हरिओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहां कदम रखने की? राजा को कहीं भी आने जाने का अधिकार होता है गणपत राव, और मैं यहां का राजा हूं, कुलकर्णी सरदार। हरिओम। तुम तो नाम के राजा हो, नाटक में राजा की भूमिका करते हो, लेकिन मैं सच में राजा हूं। राजा, और राजा के सामने कैसा बर्ताव किया जाता है ये तुम भली भांति जानते हो। वैसे तुम ठहरे मेरे दास, और दास को स्वामी के सामने बोलने की अनुमति नहीं होती है। दास स्वामी। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला लगता है, सुबह सुबह अफीम चाट के आया है यहां। दास और गणपत राव, हर बार ऐसा ही करते हैं वो। एक बार में बता क्यों नहीं देते कि आज पैसे देंगे या कल? जब भी उनके पास पैसे मांगने जाती हूँ, कहते हैं आज नहीं पैसे दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। कुछ समझ में ही नहीं आता, पता नहीं मैं घर कैसे चलाऊंगी। कुछ क्या बात है? आज सुबह सुबह मेरी लक्ष्मी बहुत गुस्से में है।
गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ साई। भानु काका को मैंने कुछ उपले बेचे थे उधार में, आज एक महीने से अधिक हो गया है, वो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं जब भी उनके पास पैसे मांगने जाती हूँ तो कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। तो उन्हें अच्छी तरह से जानती तो है ना? हाँ साई, बहुत अच्छी तरीके से। मैं बचपन से उन्हें उपले बेचती आई हूँ, अक्सर वो मुझसे उधार लेते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इतना समय नहीं लिया मुझे पैसे चुकाने में। हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, इसीलिए तेरे पैसे ना दे पा रहे हो। ठीक है, तू जा, लेकिन एक बात याद रखना, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, आवेश में नहीं आना है, प्यार से प्रेम से बात करना उनसे, ठीक है? जरूर साई, मैं फिर से उनके पास जाती हूँ और फिर देखते हैं कि वो मेरा बकाया चुकाते हैं या नहीं। हरिओम हरिओम, अपना नाम तो ऐसे लेता है जैसे अपने आप को लाड साहब समझता हो। कलाकार के लिए पद पद भी कोई मायने नहीं रखता, उसका नाम ही काफी होता है। और गणपत राव का मतलब कला, और कला का मतलब गणपत राव। और रही बात सत्ता की, आज है और कल नहीं। आज तुम इस गांव के मुखिया हो, कल कोई और होगा, लेकिन गणपत राव हमेशा गणपत राव ही रहेगा। गणपत राव हवा में महल बना रहे हो, यदि मैंने झटका भी दिया ना तो समेटते समेटते सिमट जाओगे, किंतु अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाओगे तुम। सपने देख रहे हो कुलकर्णी, सपने देख रहे हो तुम। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गणपत राव जो है वो अपनी काबिलियत और अपनी कला की वजह से ही है। किसी से एहसान लेकर या किसी की चापलूसी करके वो इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। और याद रहे, कला कोई पद नहीं, पद से कभी भी किसी को भी हटाया जा सकता है, लेकिन कला को कभी भी कोई भी किसी से छीन नहीं सकता। छीनने की क्या आवश्यकता है गणपत राव, जब तुमने अपना सब कुछ मेरे पास गिरवी रख दिया हो। तुम्हारा बकाया तो मैंने चुकाया था। कब काका? आपने मुझे तो पैसे नहीं दिए, आपने आई को दिए थे क्या? अरे तुम्हें ही तो दिए थे पैसे, भूल गई क्या पिछले हफ्ते? काका मुझे पता है आपको मजाक करने की आदत है, लेकिन अभी मजाक नहीं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे मजाक तो तुम कर रही हो जिप्री, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे और तुम उसी पैसे को दोबारा मांग रही हो। काका एक बार तो आप पैसे दे नहीं पा रहे हैं और दोबारा पैसे देने की बात कर रहे हैं, और मैं क्यों आपसे दोबारा पैसे मांगूंगी? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ आप झूठ बोल रहे हो। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मैं झूठा हूँ? मैंने तुम्हारे पैसे पचा लिए? हाँ सच तो ये है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे, उसका तुमने क्या किया मुझे क्या पता। मेरे प्राण लेना बंद करो। आप उस गरीब के पैसे क्यों नहीं दे देते? तुम मुंह बंद करके अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। बड़ी आई उसका पक्ष लेने वाली, चल। तुम अभी भी यही खड़ी हो? तुम्हारे यहां खड़े रहने से तुम्हारा झूठ सच नहीं साबित होगा, जाओ यहां से। अब तो मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे पैसों का भुगतान नहीं कर देते। एक महीने से अधिक हो गया आपको मुझे सामान खरीदे हुए और आपने अब तक पैसे नहीं दिए, आपको मेरे सामानों का पैसा देना पड़ेगा। तुम
भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। गरीब समझ के इसकी मदद कर दी तो सर पे बैठने लगी मेरे। मैंने इसको पिछले हफ्ते ही पैसे दिए हैं, फिर भी आज मुकर गई। ये हंगामा कर रही है क्योंकि इसे ज्यादा पैसे चाहिए। एक सामान का दुगना दाम चाहती है ये। अका, मैंने आज तक किसी से एक फूटी कौड़ी ज्यादा नहीं लिए, जितना हकदार है वही लिया है। और आपसे मैं हकदार ही मांग रही हूँ तो आप मुझे झूठी कह रहे हैं। आप सबको मैं बचपन से उपले बेचती आई हूँ, आप सब मुझे जानते। क्या आप में से आज तक किसी के साथ भी मैंने ऐसा कुछ किया है? नहीं नहीं जिबरी, तुमने हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया है। सुना काका, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं मतलब? पैसा अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देता है। तुमने सोचा होगा बरसों से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन वही की वही हूँ, इसीलिए थोड़ी सी बेईमानी कर ही लेती हो। थोड़ा शोर मचाओगी तो लोग लाज के डर से मैं पैसे दे ही दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला जिपरी। आप लोग भी सावधान हो जाइए, आज मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। निकलो यहां से। जाओ यहां से। जिबरी दीदी, गणपत राव जी, ये हस्ताक्षर आपके हैं ना? इसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने आपको दिए हुए पैसे मेरे मांगने पर आपने नहीं दिए तो आप मेरे दास बन जाओगे। देखिए कुलकर्णी, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये कर्जा मैंने गंगाराम से लिया है। लेकिन सेठ गंगाराम जी को पैसे किसने दिए? मैंने दिए। क्या तुमने ये लेखा पत्र, ये दस्तावेज नहीं पढ़ा? इसमें लिखा है सेठ गंगाराम प्रतिनिधि के रूप में मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। हरिओम। लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जल्दी से थोड़ा पानी लाओ। लक्ष्मी, जिपरी, साईं, क्या हो गया जिपरी को? ये आंखें क्यों नहीं खुल रही साईं? ये ठीक तो हो जाएगी ना? एक तो तेज धूप में गांव भर घूमकर उपले बेचती है,
ऊपर से इतने जोर से चिल्ला रही थी, कहीं उसके शरीर की कोई नस वस तो नहीं फट गई होगी? साईं जिपरी उठो, जिपरी दीदी। मिल गई आपको शांति। इतनी छोटी सी थी तब से हमारे घर उपले बेच रही है, आज आपकी वजह से उसकी ये हालत है। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए आपने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर इसे कुछ हो गया ना तो इसका पाप आपको लगेगा। उठो लक्ष्मी, उठो। साईं, साईं मैं बेईमान नहीं हूं, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। हाँ लक्ष्मी, मैं जानता हूं, ये सब भी जानते हैं। तो फिर भानु काका क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ? वो तो मुझे बचपन से जानते हैं ना साई। तुम इन्हें बचपन से जानती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा किया। इन्हें लगा कि ये तुम्हारा लाभ उठा सकते हैं। तुम्हारे भानु काका सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबे हैं। लगा कि तुम छोटी बच्ची हो, अगर ये तुम्हारा पैसा नहीं भी देंगे तो तुम इनका क्या कर लोगी? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर चिल्लाओगी और फिर अपने घर चली जाओगी। अगले दिन फिर आओगी, लड़ोगी और फिर अपने घर चली जाओगी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहेगा और फिर एक दिन थक कर तुम अपने घर बैठ जाओगी और ये तुम्हारा पैसा कभी नहीं देंगे। यही सोच रहे थे ना भानु? जिसने तुम पर विश्वास किया उसी को धोखा देना चाहते थे तुम, और धोखा करके क्या मिला? केवल शर्मिंदगी। चौथे पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में वर्णित उपनियम चौथे में यह लिखा है कि तुमने अपने आप को मेरे पास गिरवी रखा है गणपतराव, गिरवी। अब बताओ क्या करूं? इसलिए मेरे पैसे दे दो अभी के अभी, नहीं तो वैधानिक रूप से मेरे दास बन जाओ तुम। अरे ओम है कि नहीं? गणपत राव, तुम्हारा नसीब, तुम्हारी नियति भी कितनी विचित्र हो गई है। राजा नल की भूमिका निभाते निभाते तुमने भी वैसा ही व्यवहार कर दिया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहां तक कि अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया। हरि ओम। राजा नल। अच्छा बुरा वक्त सभी की जिंदगी में आता रहता है, लेकिन कुछ लोग अपने कर्मों के द्वारा उस बुरे वक्त को आमंत्रित करते हैं। बताइए क्या जरूरत थी कर्ज लेकर अपनी भतीजी की शादी में उसे इतना महंगा उपहार देने की?
तुम उपहार अपनी हैसियत के अनुसार भी तो दे सकते थे ना, और ऐसा आपने पहली या आखिरी बार नहीं किया है। इससे पहले भी आप कर्ज लेकर लोगों को तोहफे देते रहे हैं, कई बार आपने अपनी चादर से लंबे पैर फैलाए हैं। क्या जरूरत थी उधार लेकर एक नया कमरा बनाने की? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले आपके आपके पड़ोसी ने एक नया कमरा बनाया था, और उसकी देखा देखी आपको भी अपने मकान में एक नया कमरा बनाना जरूरी लगा। आप समाज में अपनी उपस्थिति, अपनी प्रतिष्ठा दर्ज करा सके, इसलिए खर्च पर खर्च करते रहे हैं। आपकी आमदनी नहीं बढ़ी लेकिन कर्जे जरूर बढ़ा लिए आपने। जब आप अपने आप को कर्ज में डूबा हुआ पाने लगे तो आपने अपने लेनदारों में से सबसे कमजोर इस बच्ची लक्ष्मी को धोखा देने का फैसला किया। वो बच्ची जो दिन भर धूप में घूम घूम कर मेहनत करके उपले बेचती है, इस उम्मीद के साथ कि शाम तक उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे उसके घर में कम से कम एक वक्त तो चूल्हा चल सकेगा, उसके साथ धोखा करना चाहते हैं आप। हमें माफ कर दीजिए साईं, हमसे गलती हो गई। और तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे भानु? क्या कहूं साईं, और किस मुंह से कहूं? मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया था, मेरी पत्नी ने मुझे समझाया भी, लेकिन मैं ही स्वार्थी हो गया था, स्वार्थी। उसे डांट कर चुप करा दिया। मैंने ये जिपरी, जिसको मैंने बचपन से देखा है, मेरे सामने बड़ी हुई, इस पर मैंने बेईमानी का इल्जाम लगाया, इसे झूठा कहा। गांव वालों को इससे सावधान रहने को कहा। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। बेटी, मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें बेहोश होते देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसकती हुई महसूस की है मैंने। माफ कर देना मुझे। इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। काका, बहुत पुराना संबंध है हमारा, आप एक बार कह देते कि जिपरी अभी पैसे नहीं है तो मैं आपकी जान ले लेती। नहीं ना, आप थोड़ी ना अभी शिरडी छोड़कर जाने वाले हैं, और ना ही मैं। आप बस अपना ख्याल रखिए, और जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते आप मुझे लौटा दीजिएगा। फल है जीवन में कर्म योग का, बाकी अटल है जो कुछ है हाथ में तेरे।